हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय टेस्टी रसोई। आज हम बनाने जा रहे हैं रबड़ी। ये हम बिल्कुल नए तरीके से रबड़ी बनाएंगे। इसके लिए हमें चाहिए 1.5 लीटर दूध, मतलब 1.5 लीटर मिल्क। हम यहाँ पे फुल फैट मिल्क ले रहे हैं। अब हम गैस ऑन कर देंगे। देखिए यहाँ पे कितना अच्छा बॉयल आ चुका है। अब हमें इसे दूध को अच्छे से गाढ़ा करना है। इसे हमें तब तक गाढ़ा करना है जब तक इसकी क्वांटिटी लगभग 1 लीटर की हो जाए। फ्रेंड्स, वैसे तो रबड़ी ब्रेड से भी बनाई जाती है, कस्टर्ड से भी बनाई जाती है, लेकिन हम यहाँ पर बिल्कुल नए तरीके से रबड़ी बनाएंगे। और यकीन मानिए, ये खाने में बहुत ही टेस्टी है। जब मैंने इसे फर्स्ट टाइम ट्राई किया था तो ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे दूध के ऊपर मलाई बन रही है। इस मलाई को हम दूध में मिला देंगे, साथ ही बर्तन की साइड की मलाई भी चम्मच से निकाल कर दूध में मिला देंगे। इससे रबड़ी बहुत ही बढ़िया और लच्छेदार बनेगी। अब हम केसर के कुछ रेशे डाल रहे हैं, इससे रबड़ी में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। वैसे भी केसर के बिना रबड़ी अधूरी सी लगती है, इसलिए आप केसर को जरूर डालिएगा। बिल्कुल नए तरीके से रबड़ी बनाने की रेसिपी यदि आपको अच्छी लगी तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब हम इसमें डालेंगे 4 चम्मच शक्कर। हम ले रहे हैं हमारा सीक्रेट इंग्रेडिएंट सोन पापड़ी। जी हाँ फ्रेंड, सोन पापड़ी से रबड़ी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। इसे एक बार आप जरूर ट्राई कीजिए। देखिए सोन पापड़ी में कितना सारा बादाम डाला हुआ है। हम यहाँ पे लगभग 100 ग्राम सोन पापड़ी ले रहे हैं और ये पीसेस में लगभग 4 पीसेस है। और अब हम इसे दूध में थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। हमें इसे इकट्ठा एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके डालना है, नहीं तो इसमें दूध में लम्स बन जाएंगे। सोन पापड़ी के एक एक पीसेस डालने के बाद में हमें यहाँ पे दूध को चलाते भी रहना है ताकि इसे पापड़ी में लम्स ना बन सके। सोन पापड़ी डालने के बाद में हमें 5 मिनट और इसे पकाना है। सोन पापड़ी डालने से देखो ये कितना अच्छा गाढ़ा होने लगा है। 5 मिनट हो चुके हैं, हमें इतनी ही गाढ़ी चाहिए क्योंकि ठंडी होने के बाद और गाढ़ी हो जाएगी। अब हम यहाँ पर डालेंगे इलायची पाउडर, पिस्ते चॉप्ड डालेंगे। सोन पापड़ी में पहले ही बादाम था इसलिए हम यहाँ पे बादाम का यूज नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर हमने रबड़ी में 4 टेबल स्पून ही शुगर डाला है क्योंकि हमें सोन पापड़ी डालनी थी और सोन पापड़ी भी टेस्ट में मीठी होती है। यदि आप में रबड़ी ज्यादा मीठी खाना पसंद करते हो तो आप 1 या 2 चम्मच शक्कर और भी डाल सकते हैं। हमें रबड़ी इतनी ही गाढ़ी चाहिए। रबड़ी तैयार हो गई है। अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। रबड़ी को ठंडा करने के बाद में फ्रिज में 3 घंटे के लिए रखना है। देखिए फ्रेंड्स, ठंडी होने के बाद में रबड़ी कितनी गाढ़ी हो गई है और इसका कलर भी कितना अच्छा आया है। इस ठंडी ठंडी रबड़ी को हम सर्व करेंगे और उसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स भी डालेंगे। यहाँ पे ये कुल्लर टाइप का बर्तन है, मैं इसमें रबड़ी डाल रही हूँ। रबड़ी को गार्निश करने के लिए मैं डाल रही हूँ चॉप्ड काजू और चॉप्ड पिस्ता। लीजिए फ्रेंड्स, तैयार हो गई है हमारे रबड़ी खाने के लिए। देखिए फ्रेंड्स, दिखने में जितना सुंदर लग रहा है खाने में उतना ही टेस्टी है। इसे आप एक बार जरूर ट्राई कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में मुझे लिख के बताइए कि आपसे कैसा बना। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।